एक लड़की थी वीरो, उसके सात भाई थे। सात भाइयों की वीरो एक ही लाडली बहन थी। करवा चौथ के व्रत का दिन आया। वीरो ने अपनी भाभियों के साथ ये व्रत रखा। वीरो को भूखी प्यासी देखकर उसके भाइयों ने जंगल में दूर जाकर आग लगा दी और चांद के जैसी ही रोशनी कर दी। घर आकर अपनी बहन से कहा, देख वीरो, तेरा चांद निकल आया है। वीरो ने पूछा, भाभियों का चांद तो निकला नहीं, मेरा चांद कैसे निकल आया? भाइयों ने लाडली और अनजान बहन से कहा कि भाभियों का चांद भी निकल आएगा। इसी भ्रम में आकर वीरो का व्रत टूट गया। का राजा जैसा पति गहरी नींद में सो गया। उसके शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गईं। वीरो को राजा की सुइयां निकालते निकालते साल हो गया कि फिर से करवा चौथ का व्रत आ गया। करवड़े बिकने के लिए आए। वीरो ने फिर से व्रत रखा और इस बार उसने मन में प्रण किया कि इस बार जब सबका चांद निकलेगा तो सबके साथ ही वो अपना व्रत खोलेगी। वीरो अपनी दासी को राजा के पास सुइयां निकालने के लिए बिठा के अपने व्रत की पूजा के लिए जाती है। उधर जैसे ही पूजा समाप्त होती है, इधर राजा की आखिरी सुई दासी निकाल देती है। गोली थी वो रानी बन गई और रानी थी वो गोली बन गई। अब वीरो बहुत दुख में पड़ गई। एक दिन राजा परदेश जा रहा था। रानी जो असल में दासी थी, राजा को बहुत से आभूषण लाने के लिए कहती है। वीरो जो दासी बनी हुई थी, वो केवल एक गुड़िया ही राजा से मांगती है। राजा वापस आकर दोनों को अपनी अपनी चीजें देता है। वीरो जो दासी बनी हुई थी, हमेशा अपनी दुख भरी कहानी उस गुड़िया से कहती रहती है। एक दिन राजा ने वीरो के मुंह से जो दासी थी वो रानी बन गई, जो रानी थी वो दासी बन गई, ये कहते सुना तो सब सच उसके सामने आ गया और अपनी वीरो रानी को हृदय से लगा लिया। गणेश जी की कृपा से वीरो रानी के दिन फिर से अच्छे हो गए। रानी थी वो रानी बन गई, दासी थी वो दासी रह गई। Let
वार वरते आज है शुभवार। सदा सुहागन का सुहाग भाग, दूध पुत्र और रिजक के साथ, जैसा भाग वैसा राज। अब सब अपने अपने हाथ में पानी ग्रहण करके करवा मनसोख।